हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ड्रीमर। आज हम हैं चांदनी चौक में और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है। चांदनी चौक में क्या क्या और भी चीज़ें फेमस है, हम सारे इस वीडियो में देखेंगे। चलो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरने के बाद आप जैसे ही एग्ज़िट की ओर बढ़ते हैं तो लास्ट में आप देखते हैं कि एक चाय की टपरी है जिससे आप चाय ले सकते हैं। मैंने इनसे बात की है, इनका नाम सपलू जी है और 1976 से ये चाय का ही काम कर रहे हैं। पहले इनके पिताजी चाय बेचा करते थे और उन्होंने इसके आगे इसे कंटिन्यू किया है। मैंने चाय पी है, मैं काफ़ी बार इनकी चाय पी चुका हूँ, मुझे चाय का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, चाय है, मट्ठी है, फ़ैन है। अगर आप यहाँ आते हैं चांदनी चौक में तो चाय का मज़ा यहाँ पर ज़रूर ले सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा है और शीशगंज गुरुद्वारे के ठीक सामने ही सड़क के दूसरी तरफ निशान साहिब है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आप यहां पर भी माथा जरूर टेकें और सिर पर रुमाल लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के ठीक सामने गुरुद्वारा है शीशगंज, यहाँ माथा टेकने के बाद आप शीशगंज गुरुद्वारे में जा सकते हैं और गुरु की ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो ये ठीक सामने है और इन सड़क क्रॉस करके बिल्कुल सामने गुरुद्वारा है। चांदनी चौक पर आप जैसे ही पराठे वाली गली में एंटर करते हैं तो आपके राइट साइड में एक तिवारी जी कॉर्नर है जो काफ़ी सालों से छोले भटूरे बेच रहे हैं। मैं 3-4 बार इनकी दुकान पर जा चुका हूँ, छोले भटूरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ये मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है। अगर आप चांदनी चौक जाते हैं और छोले भटूरे खाने के शौकीन हैं तो आप यहाँ पर जाकर छोले भटूरे का आनंद ज़रूर ले सकते हैं। काफ़ी बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार और नेता यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ के पराठे खा चुके हैं। बहुत ही फेमस दुकान है, आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ पे आलू पराठा, मिर्च पराठा, केला पराठा, करेला पराठा, काजू पराठा, किशमिश पराठा, बहुत सारे तरीके के पराठे मिल सकते हैं। आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पर। तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप यहाँ पर आए और पराठे खा लें। फ्रेंड्स, एक और बहुत ही फेमस शॉप है पुरानी दिल्ली में, नटराज दही वाला सेंटर, यहाँ पर भी आप आ सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ ये दुकान 1940 से है। अभी मैं दही भल्ले खाने जा रहा हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि कैसा है यहाँ पर। और ये दुकान पराठे वाली गली के ठीक सामने है। आप देख सकते हैं, अभी मैंने खा के देखा है, बिल्कुल वही स्वाद है। मैं 1940 से तो नहीं आ रहा, लेकिन 1940 से शॉप है और स्वाद इन्होंने बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा है खा के। एक प्लेट एक चम्मच और खा के दिखाता हूँ आपको। मज़ा आ गया, रिकमेंडेड प्लेस है। पराठे खाने के बाद नटराज के दही भल्ले खाना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं देख रहा हूँ दही भल्ले खाने के बाद लोगों ने अपना ट्रैश सड़कों पर बिखेरा हुआ है। यार, दिल्ली गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी यहाँ पे सड़क बना के दी है और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ वहाँ ब्लू कलर का डस्टबिन भी रखा हुआ है। यार, उसके बाद ये जगह को गंदा करना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यार, अपना ट्रैश साथ में लेके जाएँ, उधर डस्टबिन रखा हुआ है, डस्टबिन में डालें अपना ट्रैश। काफ़ी समय के बाद, लॉकडाउन के बाद कह सकते हैं कि चांदनी चौक जाने का मौका मिला और आप देख सकते हैं कि सड़क कितनी खुली खुली लग रही है। और अभी रिसेंटली ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने इनॉग्रेशन किया है और अभी इस पर सिर्फ रिक्शा ही अलाउड है। और सड़क पहले काफ़ी टूटी हुई थी, अभी अच्छे से मेंटेन है, अच्छे से बना दी गई है। तो आप यहाँ आ सकते हैं, आपको भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा।
दोस्तों अभी मैं हूँ श्री बालाजी चाट भंडार और मैंने इनसे लिया है कांजी वड़ा। मैं घर से आया था, मैं सोच के आया था कि ये कांजी वड़ा जरूर ट्राई करूँगा। जब भी आता हूँ ये वीडियो देखता हूँ। काफ़ी पुरानी दुकान है और कांजी वड़ा इनका ऑथेंटिक है। पहले काफ़ी सारी दुकानें होती थी यहाँ पर, लेकिन अभी कुछ ही बची है कांजी वड़े की दुकानें। ये दुकान गुरुद्वारे के ठीक सामने है और मैंने अभी कांजी वड़ा लिया है। आपको मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। टेस्ट उन्होंने बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है, वैसा ही टेस्ट है। थोड़ा सा पानी आपको पीने में खट्टा लगेगा, लेकिन यही इसका स्वाद है, बहुत अच्छा है। ये है सिर्फ 40 रुपीज़ का। इनके पास दही भल्ला, भल्ला पापड़ी सब कुछ है। आप चांदनी चौक आएँ तो ये मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है, यहाँ आना बिल्कुल भी ना भूलें। एक बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि सड़क फिर से दिखा देता हूँ, काफ़ी अच्छी बना दी है। सामने ये लाल किला है, बिल्कुल लाल किले तक ये बिल्कुल कनेक्टिविटी है सड़क की, और आप अब आराम से पैदल भी जा सकते हैं। कोई जाम नहीं, कोई रश नहीं। पहले काफ़ी भीड़ भाड़ रहती थी यहाँ पर, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ बिल्कुल सीधी सड़क है और आपको लाल किले तक जाने में बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा। आप वॉक करते हुए जा सकते हैं, मेरे ठीक सामने लाल किला देख सकते हैं। बात आपको और बता दूं, आप गुरुद्वारे से लाल किले तक बिल्कुल पैदल ही जा सकते हैं। गुरुद्वारे से लाल किले की जो दूरी है वो 200 से 300 मीटर ही होगी, तो आपको कोई रिक्शा लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और आएँ तो अगर मैं अभी देख लेता हूँ लाल किला ओपन है या नहीं, क्योंकि कोविड में लाल किला बंद किया हुआ था। फिलहाल मैं देख लेता हूँ और आपको जानकारी देता हूँ कि अगर लाल किला ओपन है तो फिर आप लाल किला भी देखने आ सकते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि मेरे पीछे ये जो मार्केट देख पा रहे हैं आप, ये भागीरथ पैलेस है। बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है। अगर आपको सस्ते दामों पर यहाँ पर घर के लिए लाइटें वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। अभी दिवाली आने वाली है तो दिवाली के लिए भी आप इसी मार्केट से शॉपिंग कर सकते हैं। लाल किले से ये 100 से 150 मीटर की दूरी पर है, ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, यही गली है भागीरथ पैलेस। अभी मैं आ चुका हूँ लाल किले पर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और लाल किले को और शीशगंज गुरुद्वारे को सीधी सड़क कनेक्ट करती है। और लाल किले का मैंने पता किया है कोविड के बाद, अभी ये खुला हुआ है। अंदर काफ़ी भीड़ थी, मैंने देखा था संडे करके काफ़ी लोग आए हुए थे। अंदर 50 से 80 रुपये की टिकट है और अंदर एक शो भी चलता है जिसकी टिकट अलग से है, आप ले सकते हैं। और इंटरनेट पर भी आप टिकट चेक कर सकते हैं। भीड़ आप देख सकते हैं, काफ़ी लोग आए हुए थे संडे करके, बहुत रश था यहाँ पर। तो ये भी आप अगर चांदनी चौक जाएं तो यहाँ भी एक बार जा सकते हैं। अगर आप लाल किला जाना चाहते हैं तो लाल किला मेट्रो स्टेशन भी ओपन है। और इस व्लॉग को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू गाइज़।